ये देखो कैमेलियन जा रहा है, यानी गिरगिट जो रंग बदलता है। हम जा रहे थे, ये रास्ता क्रॉस कर रहा था, ये देखिए अभी फिलहाल तो रंग बदल नहीं रहा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑन माय वे। आज मैं हूँ झाड़ग्राम में। आज का प्लान है घाटशिला जाना, वहाँ थोड़ा घूमना है दोस्तों के साथ। अभी मैं हूँ पिकअप पॉइंट में, जहाँ से मेरे दोस्त आएंगे मुझे ले जाएंगे। तो वीडियो देखते रहिएगा, कहाँ जाना है सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। तो चलते हैं। तो गाइस, मैं अभी रुका हूँ बीच रास्ते में, वेस्ट बंगाल और झारखंड स्टेट के बीच में। अच्छा खासा मैं घूमने निकला था। जब किस्मत ख़राब हो तो जो होता है, मैं आपको दिखाता हूँ किस्मत का एग्जांपल। ये देखिए सिचुएशन अभी मेरे गाड़ी का, बेचारा पंचर हो गया है और मेन प्रॉब्लम है उसको ठीक करने का जो औजार चाहिए वो नहीं मिल रहा, और वो भी हम लोग बीच रास्ते में है। हालत देखो, आपने देखा क्या हालत है अभी सिचुएशन। अब यहाँ पर ये ठीक करने में लगभग आपको आधा घंटा लग जाएगा, लेकिन किस्मत अच्छा है कि एक ऑलरेडी पहिया था जो एक्स्ट्रा, जो अभी काम में आएगा। तो अभी ये सब ठीक करने के बाद फिर मिलते हैं, देखते कितना टाइम लगता है वहाँ जाने में, फिर मिलते हैं आगे जाके। तो गाइस, अभी जस्ट मैंने आपको बुरुडी डैम का जस्ट थोड़ा सा वीडियो वर्सन दिखाया है। जैसा कि अभी अगस्त का महीना है, यूजुअली मॉनसून है, लेकिन यहाँ पर तो कुछ ज़्यादा ही उल्टा चल रहा है। होना चाहिए था यहाँ पानी, लेकिन पूरा सूखा पड़ा हुआ है। यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, इधर से यूजुअली पानी पास होता है बरसात के दिन, लेकिन अभी तो ऐसा सिचुएशन है पूरा सूखा पड़ा हुआ है। मतलब ये बरसात के दिन में आपको लगेगा नहीं कि ये मॉनसून सीज़न है। तो वो देखिए उस साइड जो डैम है वो पूरा पानी भरा रहता है एक्चुअली, लेकिन अभी देखिए पानी कितना कम हो गया है और लोग सब भी बहुत कम हो गए। इसका तो मेन कारण है ग्लोबल वार्मिंग। फिर भी ये झाड़ग्राम या झारखंड साइड में आप बोल सकते हैं पेड़ आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आप टाउन साइड जाइएगा तो एक भी पेड़ दिखेगा नहीं। तो अब आगे चल के देखते, देखिए लोग धीरे धीरे आ रहे हैं थोड़े बहुत घूमने। अब मैं अभी जिस जगह में खड़ा हूँ ये पूरा एंड था, उस साइड आपको वहाँ दुकान खाने का सब व्यवस्था मिल जाएगा। मैं एक्चुअली पूरा एंड तक आया था कि कैसा है, तो एंड का मैंने आपको वीडियो दिखाया था। यहाँ पर सब गाड़ी रख सकते हैं, या आपको गाड़ी रखने का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पर सब पार्किंग प्लॉट दिया गया है, कोई चार्ज लगता नहीं। तो चलिए मिडिल साइड देखते क्या है। ये साइड कुछ गेट दिख रहा है, गेट जैसा है, पानी से शायद यहाँ खुलता है या बंद करता है। और ये भी देखिए इसमें तो बाहर से ही ताला लगा हुआ है, लेकिन खुला हुआ है ये गेट, ठीक है। ये है कुछ, और उधर से देखिए लोग मच्छी पकड़ रहे हैं, और कोई भी नहीं है, जस्ट यहीं के लोकल हैं। पूरा देखिए फाका है, टूरिस्ट भी इतने हैं नहीं, शायद गिने चुने एक दो लोग आ रहे हैं। तो चलिए जब आए हैं तो थोड़ा घूम भी लेते हैं, लेकिन वहाँ आपको दो तीन गाड़ी दिखेगा, लोग हैं यहाँ वहाँ। एक्चुअली बहुत गर्मी है, गर्मी के वजह से कोई आना चाहता नहीं है। है तो मॉनसून सीजन, लेकिन इतना गर्मी है कि आप मतलब टिक नहीं पाओगे। तो चलिए आपको और दिखाता हूँ आगे। तो गाइज, लेकिन आपको इवनिंग का टाइम ये डैम के सामने बैठने में बहुत ही अच्छा लगेगा,
देखिए चारों तरफ पहाड़ है, पहाड़ के बीच में आप बैठे रहेंगे, इवनिंग को बहुत सुकून मिलेगा। तो आप अपने फैमिली के साथ आके यहाँ ये ट्रिप इंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए पूरा शांति ही शांति है, पहाड़ों के बीच में डैम, आप सोच रहे हैं ना कितना अच्छा नज़ारा है। ये देखिए और यहाँ पर कुछ फिशिंग का शायद गवर्नमेंट के तरफ से कर रहे हैं। तो दोस्तों देखो हमें ये कैमेलियन दिखा, यानी गिरगिट जो रंग बदलता है, कितना खूबसूरत है। इसको जाने देते हैं, बस देखा तो वीडियो करने का मन किया है। ये देखिए, चलिए इसको यहीं रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो गाइस अभी बहुत जोर का भूख लगा हुआ है, तो अभी हमने हाईवे में एक जगह दुकान देखा, ये है ढाबा राजा राजा, यहाँ जाके पहले खा लेते, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या का खाना का क्या स्वाद था। तो खाने के बाद मैं बताता हूँ आपको। तो गाइस खाना सही में बहुत ही अच्छा था, आप भी आके ट्राई कर सकते हैं, आपका ये एड्रेस मैं बता दूंगा। तो चलिए अब चलते हैं आगे डेस्टिनेशन में। तो गाइस अभी मैं बैठा हूँ गालुडी ब्रिज के यहाँ पर, एक्चुअली जाना था रामकुनी मंदिर के वहाँ, लेकिन ये नज़ारा इतना अच्छा लगा तो हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा बैठ के यहाँ हवा खा लेते हैं। तो वहाँ देखिए आपको कितना सुंदर लग रहा है नज़ारा, और अभी धूप भी उतना नहीं है, जाने में मज़ा आ रहा है। तो फिलहाल आपको मैं जस्ट थोड़ा सा वीडियो दिखा देता हूँ यहाँ का, फिर उसके बाद हम चलते हैं रामपुरी मंदिर। ये देखिए ऊपर से कितना कितना डरावना लगता है, तो पानी भरा हुआ है, उतना पानी नहीं है लेकिन फिर भी ऊपर से डर लगता है। ये देखिए सब लोग यहाँ मछली पकड़ रहे हैं, बहुत लोग आते हैं यहाँ मछली लेने के लिए, क्योंकि यहाँ आपको पूरा फ्रेश मछली मिलेगा, लोग पकड़ पकड़ के यहाँ बेचते हैं पूरा फ्रेश। ये देखिए रखा हुआ है, लेकिन ले जाने का तो मन है, लेकिन यहाँ से ले जाने में मतलब बहुत टाइम लग जाएगा, और हमारा जाने का कोई ठीक नहीं है, इसलिए मैं फ़िलहाल तो नहीं ले जा रहा। ये देखिए लोग ऐसे मछली पकड़ रहे हैं ऊपर से। तो गाइस जैसा मैंने अभी कहा था कि हम जा रहे हैं वहाँ रामकुनी मंदिर, लेकिन प्रॉब्लम है कि अभी जस्ट फोन आया था झाड़ग्राम से, वहाँ से उन्होंने बोला है कि बहुत सारे हाथी निकला हुआ है, इतना जल्दी हो सके आ जाओ। तो अभी प्लान में चेंज हो गया है, तो हम यही ये प्लान या ब्रिज देख के ही वापस जाएंगे झाड़ग्राम जितना जल्दी हो सके, क्योंकि कुछ दिन से हाथी बहुत परेशान कर रहा है वहाँ झाड़ग्राम में, प्लस वेदर भी थोड़ा लग रहा है क्लाउडी हो गया, बारिश होने वाला है। तो आज का वीडियो जस्ट मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, आई होप आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।